नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। 28 मई 2023 को देश को गुलामी के 75 साल बाद खुद का हाईटेक संसद भवन मिलने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को किया जा रहा है। भवन के अंदर जोरों से तैयारियां शुरू की गई है ताकि उद्घाटन दिवस के मौके पर किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। इस कार्यक्रम के लिए सभी बड़े बड़े नेताओं और विपक्षी नेताओं को न्योता भी दे दिया गया है। इसी बीच इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी सामने आ चुकी है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि 28 मई 2023 को संसद भवन के उद्घाटन के दौरान किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7:30 बजे हवन पूजन कार्यक्रम के साथ होगी। ये कार्यक्रम सुबह 8:30 बजे तक चलेगा। इस विशेष पूजा के लिए पंडाल गांधी मूर्ति के पास लगाया गया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति समेत सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। लोकसभा सचिवालय से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूजन और हवन के कार्यक्रम के बाद सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के पास सिंगोल को स्थापित किया जाएगा। फिर सुबह 9:30 बजे प्रार्थना सभा होगी। इस प्रार्थना सभा में शंकराचार्य सहित कई बड़े विद्वान पंडित और साधु संत मौजूद रहेंगे। सुबह पूजा और हवन के बाद दोपहर 12 बजे से दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू होगा। राष्ट्रगान के साथ दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस मौके पर 2 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का संदेश पढ़ा जाएगा। इस मौके पर 1 सिक्के और स्टाम्प को भी रिलीज किया जाएगा। सबसे आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इस कार्यक्रम का समापन दोपहर में 2:30 बजे तक होगा। तो ये थी इस कार्यक्रम की, जो 28 मई 2023 को होने वाला है, उसकी रूपरेखा। आपको ये जानकारी और रूपरेखा कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।